नमस्कार, बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने बिजनेस की कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं किस बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो भारत में दाल का प्रयोग काफी इस्तेमाल किया जाता है और इसका प्रयोग भोजन के लिए विभिन्न तरीकों से किया जाता है। दाल का प्रयोग मुख्य रूप में रोटी व चावल के साथ खाने के लिए किया जाता है। बाजार में कई लोग खुदरे तौर पर और बहुत सी कंपनियां स्टार्ट कर रही हैं। और दाल उद्योग आप कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताती हूँ। दाल उद्योग शुरू करने से पहले सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी, और जो इसमें मुख्य सामान है वो है मशीनरी। जी हाँ दोस्तों, दाल का उद्योग लगाने के लिए एक विशेष तरह और विशेष मशीन और सामग्री की आवश्यकता होती है। आप तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, चने की दाल आदि कई तरीके की दालें बना सकते हैं। इस मशीन की कीमत HP के अनुसार बदलती रहती है। न्यूनतम 1 HP की आती है, इसके अलावा 6 और 7 की भी आती है। कहां से आप ये मशीन खरीद सकते हैं, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी का नंबर दिया हुआ है। आप वहां से कॉन्टेक्ट कर इस मशीन को वहां से खरीद सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। जान लेते हैं कि इसमें आप कौन कौन सी दाल बना सकते हैं और इसमें कौन कौन सा प्रॉफिट आपको होगा। आप इसमें कोई भी तरीके की दाल बना सकते हैं, उड़द की, चने की, मसूर की आदि दालें रेडी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप अब चने की दाल बनाना चाहते हैं। इसकी प्रक्रिया, इस मशीन का ऊपरी हिस्सा इस तरीके से बनाया हुआ है जहाँ पर दाल आप डाल सकते हैं, और इसके बाद मशीन की दूसरी तरीके से दाल निकलने लगती है। नई दाल को पूरे दिन तक सुखाने की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आप एक बार और मशीन में डालकर आप इसे दाल को निकाल लें, जिससे दाल पूरी तरीके से बनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। यह दाल नंबर 1 की दाल कहला सकती है। इसमें कई क्वालिटी की दाल बनती है, कई ग्रेड की दाल बन जाती है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो यह इस तरीके की दालें आप सब बना सकते हैं। जिसके लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी, इसके बारे में आपको बताया जाए तो मशीन ज्यादा बड़े आकार की नहीं होती। इसके लिए आपको 25 से 30 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता ही पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जब इसे छोटे पैमाने पर शुरू करता है और वह 3 HP की मशीन से भी ज्यादा अर्न कर सकता है। इस मशीन की सहायता से आप 100 किलो दाल एक दिन में आराम से बना सकते हैं। 1 किलो दाल पर 2 से 3 रुपए तक का लाभ होता है। इस वजह से इस मशीन को 8 घंटे चलाकर 800 किलो दाल बनाकर 1600 रुपए तक का इसमें आप मुनाफा कमा सकते हैं, और इससे एक दिन में आपको 1600 रुपए प्राप्त हो जाते हैं। इसकी मार्केटिंग के बारे में बताएं तो इससे आप इसे होलसेल मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं, शहरों और गांवों में भी इसे आसानी से बेच सकते हैं। और यदि कोई आदमी छोटे पैमाने पर व्यापार शुरू करता है और तो इसमें अधिक मुनाफा हो सकता है। इन किराना स्टोर पर भी आप अपने माल मिलकर बनाएंगे और दाल आसानी से आपकी बिक जाएगी, और इस दाल से ही आप काफी मुनाफा कमा सकते हैं। और आप इसको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किस लाइसेंस की आवश्यकता होगी, इससे पहले आपको पंजीकृत कराने की आवश्यकता होगी अपनी फर्म को। आप चाहे तो अपनी फर्म को उद्योग आधार में भी उससे लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, और अपने जिला के उद्योग से भी आप केंद्र में भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अपने ब्रांड की सहायता से भी दाल बेच सकते हैं। और आपने अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग पर ज्यादा अच्छे से ध्यान देना चाहिए, और आप अपने पैकेट को ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क लगाकर भी उसे सेल कर सकते हैं। इससे आपके अपने ब्रांड का प्रचार भी होता है और आपने दल की मार्केटिंग भी आसानी से हो पाती है। और यह दाल का बिजनेस है और डेली लाइफ में हमारी बहुत ज्यादा काम भी आती है। आशा करती हूँ आपको यह बिजनेस पसंद आया होगा और आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।